हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सब्जेक्ट जो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है, उसके हम आज हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में, उसकी जो थ्योरी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, हमारी ये जो बुक है सार्थक की है, अनुप्रयुक्त गणित अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। तो देखते हैं इसमें जो चैप्टर दिए गए हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 जो इसमें दिया गया है वो हमारा समाकलन से संबंधित है। देखिए, समाकलन खंड खंड 1 समाकलन गणित, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा समाकलन है। फिर इसके बाद प्रतिस्थापन है, फिर खंडसा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, कुछ विशिष्ट समाकलन। तो चैप्टर नंबर 1 में हम क्या देखेंगे, समाकलन यानी कि किसी किस प्रकार से, जिस प्रकार से किसी फलन का हम आकलन करते थे, उसी प्रकार से किस प्रकार से हम समाकलन करेंगे किसी फलन का। बेसिक मतलब समाकलन का हम जो है बेसिक चीज़ें जानेंगे समाकलन में। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 जो हमारा समाकलन है, तो समाकलन क्या होता है और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो आपको हम बताते हैं अपने इस नोट्स के माध्यम से। देखिए क्या है समाकलन। अवकलन की विपरीत प्रतिक्रिया समाकलन कहलाती है। अवकलन की जो विपरीत प्रतिक्रिया है क्या कहलाती है, समाकलन कहलाती है। जैसे मान लीजिए साइन एक्स का हमने अवकलन दे किया डी ओवर डी एक्स, यदि अवकलन किया तो कॉस एक्स आया, ये आपको पता है। और यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अवकलन आपने पढ़ा है तो इतना तो नॉलेज आपको होगा कि यदि हम साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स आएगा। अब यदि इसी कॉस एक्स का क्या करेंगे, समाकलन करते हैं, समाकलन का चिन्ह ये होता है इंटीग्रेशन, और इस प्रकार से आगे डी एक्स लिख देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि कॉस एक्स का समाकलन हो रहा है। तो अब जब यदि हम कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। यानी जब साइन एक्स का हमने क्या किया, अवकलन किया, तो कॉस एक्स आया। अब जब कॉस एक्स का समाकलन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, साइन एक्स, यानी कि समाकलन जो है अवकलन की विपरीत प्रतिक्रिया है। यानी जो अवकलन जिस फलन का हम अवकलन करते हैं कॉस एक्स आता है, यदि उसी का यदि हम समाकलन करेंगे तो वही फलन पुनः हमें प्राप्त होता है। तो अवकलन की विपरीत प्रतिक्रिया समाकलन कहलाती है। आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ समाकलन के योग को प्रदर्शित करता है, जो ये चीज़ है, ये चीज़ समाकलन के योग को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए देखिए, सम मतलब क्या होता है, योग होता है। तो सम का ये पहला लेटर क्या है, इसको थोड़ा इस बिगड़े हुए रूप में हमने लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये क्या करता है, समाकलन के योग को प्रदर्शित करता है। तो अब देखिए, समाकलन अचर क्या होता है, समाकलन अचर देखिए क्या होता है। जैसे किसी कोई फलन दिया गया एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, और दूसरा फलन दिया गया है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 10। अब यदि हम इसका अवकलन करते हैं यानी कि एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा। आपको पता ही है एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन, तो इसका क्या होगा, 2x होगा। अब इसका भी जब करेंगे इसका भी 2x आएगा, यानी अब अचर पद का जब हम अवकलन करते हैं 5 का 0 हो जाएगा, 10 का भी 0 हो जाएगा, यानी इन दोनों का फलनों का जो आंसर आएगा 2x आएगा। अब इसी प्रकार जब इनका हम समाकलन करेंगे तो देखिए 2x dx, और जब हम इसका समाकलन करेंगे क्या आएगा, इसे देखिए यहाँ पे यदि हम इसका समाकलन करें 2x का, तो देखिए दो अचर पद यानी बाहर आ जाएगा और x इंटू dx हो जाएगा। अब x इंटू dx मतलब x की पावर 1 मतलब 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस का, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 5 आना चाहिए था। अब हम जब इसका अवकलन कर रहे हैं 2x का, तो प्लस का 5 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो हम नहीं आ रहा है इसीलिए क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। और इसको भी इसी प्रकार से देखते हैं कि यहाँ भी आंसर 2x आया। अब जब हम इसका समाकलन करेंगे 2x² ही आएगा, यानी यहाँ पे 10 आना चाहिए था, यहाँ पे 5 आना चाहिए था, तो 10 और 5 ना आकर के यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं उसके, यहाँ पे समाकलन अचर सी, यानी इसका मान निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे यदि हम x² + 100 का भी अवकलन करेंगे तो 2x ही आएगा, और यदि 2x का हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो x² + c आएगा, ना कि 100 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो c लगाते हैं समाकलन अचर, c समाकलन अचर हमारा यह दर्शाता है, जो अचर संख्या होती है उन चीज़ को निश्चित नहीं होती है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे c से हम प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और
बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, क्या कहते हैं, फार्मूलाज की तरफ। तो देखिए पहला फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, थोड़ा सा जूम कर ले। इम्पोर्टेंट फार्मूला अवकलन। अब देखिए यदि हमको समाकलन का फार्मूला याद करना है तो अवकलन का फार्मूला याद होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यक्स की पावर एन, यहाँ पे जो यक्स है इसकी पावर यदि एन है तो अवकलन का इसका क्या होता था, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इसी प्रकार से यदि एक्स की पावर एन का हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन और बटे में जो एन प्लस वन है घात जो है नीचे बटे में लिख देंगे और प्लस का सी जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम अवकलन के फार्मूले के हिसाब से समाकलन के फार्मूले को याद कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये वाला फार्मूला तो कुछ कुछ नहीं मिल रहा था, जबकि और बाकी के फार्मूले मिलेंगे। देखिए लॉग ए की पावर एक्स बराबर क्या होता है, लॉग ए की पावर एक्स का यदि हम अवकलन करेंगे तो वन अपान एक्स आएगा। अब यदि देखिए यहाँ पे वन अपान एक्स डी एक्स का क्या करेंगे, समाकलन करते हैं तो क्या आएगा, लॉग एक्स प्लस का सी आएगा, लॉग एक्स प्लस का सी आएगा। तो इसी प्रकार से यदि ए की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ए की पावर एक्स आएगा। अब ए की पावर एक्स का यानी ये जो चीज़ आया है यदि इसी का हम समाकलन करें तो ए की पावर एक्स प्लस का सी आएगा, यानी विपरीत चीज़ आएगा। जैसे यहाँ पे वन अपान एक्स का, यहाँ पे देखिए लॉग ए की पावर एक्स का अवकलन वन अपान एक्स आया था, तो यदि वन अपान एक्स का हम समाकलन करेंगे तो लॉग ए की पावर एक्स ही तो आएगा। यानी अवकलन समाकलन जो है अवकलन की विपरीत प्रतिक्रिया है। यदि हमें अवकलन का फार्मूला याद है तो हम समाकलन का फार्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। तो बाकी बढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर। देखिए साइन एक्स बराबर क्या होता है, यदि हम साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स आएगा। अब यदि इसी कॉस एक्स का समाकलन कर देते हैं तो साइन एक्स प्लस का सी आता है। और देखिए यहाँ पे कॉस एक्स का यदि हम अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आता है। अब यही साइन एक्स का यदि हम समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स आएगा। तो देखिए यदि हमें अवकलन का फार्मूला याद है तो क्या होता है, समाकलन उसी का विपरीत होता है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे हो रहा है, साइन एक्स का हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी आ रहा है। तो ऐसा फार्मूले आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए आगे का फार्मूला क्या है कि टेन एक्स बराबर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस का सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कॉट एक्स का यदि हम अवकलन करते हैं तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा। अब यदि कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करें तो माइनस का कॉट एक्स ही तो आएगा। अब देखिए इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा। अब यदि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन करेंगे तो सेक एक्स प्लस का सी आएगा। तो इस प्रकार से हम अवकलन और समाकलन दोनों के फार्मूलों को याद कर सकते हैं। तो अब देखिए कॉसेक एक्स क्या है, यदि कॉसेक एक्स का अवकलन करते हैं तो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आएगा। अब इसी यदि इसी प्रकार हम कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या कर दें, समाकलन कर दें तो माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी आएगा। तो आई होप ये जो हमने फार्मूले बताए ये सारे फार्मूले आपको आपने नोट्स बुक्स में लिख लिया होगा और इनको याद करते रहिएगा। याद करने का मतलब समझ रहे हैं ना कि यदि दो तीन बार देखेंगे और सवालों को हल करेंगे तो फार्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं ना। तो देखिए यदि वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इसका जो समाकलन होता है क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी। या फिर यदि इसी को कॉस के रूप में लिखे तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी होता है। तो ये फार्मूले हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस प्रश्नावली में दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसपे इन सब टाइप के फार्मूले यूज होंगे, तो इसीलिए इन फार्मूलों को हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए आगे आगे फार्मूला क्या है कि यदि समाकलन वन अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए, या फिर इसी को क्वाड के रूप में लिखना चाहे तो माइनस का वन अपान ए क्वाड इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से तीसरा फार्मूला हमारा क्या है कि समाकलन वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए वन अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का वन अपान ए कॉसेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी ये होता है। तो इस तरीके से हम इन फार्मूलों को याद कर सकते हैं। और कुछ फार्मूले और हमारे बच रहे हैं जो हम आगे बताने वाले हैं। देखिए क्या है कि समाकलन इंटीग्रेशन वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स
का अवकलन क्या होता था? जब हम इसका अवकलन करते थे तो 1/√1 − x² तो आता था। तो इसी प्रकार से यदि हम इसका समाकलन कर दें तो ये चीज़ हमको नहीं मिल जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इसी प्रकार से देखिए, यदि हम tan−1 x का, जब हम अवकलन पढ़े थे अवकलन चैप्टर को फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हमने क्या पढ़ा था कि tan−1 x का यदि हम क्या करें, समाकलन करें, अवकलन करें, तो क्या आएगा, 1+x² आएगा। तो देखिए 1+x² का जब हम समाकलन करेंगे तो tan−1 x आएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि हम 1/√x²−1 dx, जब हम इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो sec−1 x+ का c आता है। तो आई होप ये जो फार्मूले हमने बताए हैं, ये सारे फार्मूले अपने अपने नोट्स बुक में लिख लिया है, और इनको आप याद करते रहिएगा। बाकी पढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ, जिससे आप समाकलन को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और देखिए और बेहतर कर पाएंगे। तो देखिए क्या है समाकलन का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमने कुछ क्वेश्चनों को लिया है, आपको समाकलन क्या होता है, समाकलन का किस प्रकार से करते हैं वो समझाने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन के लिए लिया है। देखिए क्या है, इंटीग्रेशन x³+3x²+3x+1। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो अब क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4 चार पद दिए गए हैं, हर पद में अलग अलग से इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा करके dx लिख लेंगे। 3x² dx+, अब देखिए इंटीग्रेशन 3x dx + ∫1 dx। हमने ये चीज़ की, आप देखिए यहाँ पे यदि हम फार्मूला अप्लाई करें x^n का, तो क्या होता है, x^n (n+1)/(n+1) होता है। यहाँ पे यदि फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³(3+1)/(3+1)+। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है अचर पद है, यानी कि ये बाहर चला आएगा, इसका समाकलन नहीं होगा। इसमें समाकलन जो होगा x² का होगा। जब x² का x^n वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²(2+1)/(2+1) ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 3 जो है बाहर आ जाएगा। और जब x का समाकलन करेंगे, x का मतलब x^1 और x^n, जब ये बन गया तो x^1(1+1)/(1+1), तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, (x^1+1)/(1+1) हो जाएगा। अब प्लस 1 का जब हम समाकलन करेंगे, देखिए कोई भी अचर संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसका जब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, उसके साथ x हमेशा जुड़ जाएगा, यानी कि 1x हो जाएगा, तो प्लस का c हो जाएगा। अब देखिए जब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x^4(3)/(3+3×x²)/(2+1)/(x) ही होगा प्लस का c। अब देखिए यहाँ से 3 3 कट गया, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x^4(4)/(x³3)/(3) तो घट गया यहाँ से। अब देखिए 3/2×x²(x+c)। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ आइडिया आया होगा कि किस प्रकार से हमको समाकलन करना है सवालों को। अब देखिए कुछ ट्रिक आपको बता दे रहे हैं समाकलन करने की इस चैप्टर में। देखिए यदि कोई भी क्वेश्चन है, आपको उसको प्लस या माइनस के रूप में बना करके हल करना होगा। यदि गुणा के रूप में आता है, मान लीजिए इस प्रकार से आता है कि x+1, ऐसे मान लीजिए आता है कि sec(x)·tan(x), तो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, इसमें जो है इसको या तो आप प्लस या माइनस के रूप में कर लीजिए, या फिर इसमें खंडसा समाकलन का फार्मूला, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, वो फार्मूला, वो मतलब वो उस विधि से ये वाला सवाल, गुणा वाला सवाल हल होगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया ही होगा, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्या है, समाकलन ब्रेकेट लगा है √x+1/√x और इनका स्क्वायर ब्रेकेट में, अब देखिए dx हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a+b के होल स्क्वायर का, तो होता है a²(b²)/2ab। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से जब इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए रूट में है, तो यानी x हट जाएगा, तो x प्लस यहाँ भी x हट जाएगा 1/x, और प्लस का 2ab, यानी कि 2ab का मतलब √x, और एक कट जाएगा तो 2 बचेगा, और dx हो गया यहाँ पे। अब
इंटीग्रेशन का चिन्ह हर किसी के साथ लगा करके हर एक के साथ अलग अलग जाएंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 अपॉन x इंटू dx प्लस 2 इंटू dx। अब देखिए इसमें क्या करना है, x की पावर n तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई टू प्लस 1 अपॉन x। देखिए लॉग ए की पावर x का जो हम अवकलन करते थे तो 1 अपॉन x आता था, अब 1 अपॉन x का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यही तो आएगा। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग मॉड ऑफ x आएगा प्लस का 2। देखिए हमने कहा कि कोई भी संख्या होगी यदि हम उसका अवकलन समाकलन करेंगे तो उसके साथ x जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा प्लस का c। तो इसका जो लास्ट आंसर हो जाएगा क्या आएगा, यही आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बढ़ते हैं इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन जो हैं बड़े ही इजी इजी हैं, थोड़े क्वेश्चन जो हमारे घातांकीय वाले हैं इसमें और क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय वाले हैं वही थोड़े टफ हैं, बाकी और सारे क्वेश्चन इजी हैं क्योंकि उनमें जो है फार्मूला अप्लाई होगा। अब यदि त्रिकोणमितीय का कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें त्रिकोणमितीय फार्मूला अप्लाई होगा, घातांकीय में भी फार्मूला अप्लाई होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, बाकी कुछ क्वेश्चन में है नहीं। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का ये आया क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक्स का इसमें गुणा करा देंगे फिर 3 का इसमें गुणा करा देंगे तो ये प्लस या माइनस के रूप का बन जाएगा। तो देखिए एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर और फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का 4x और प्लस का 3x और देखिए यक्स का इसमें किराया तो यक्स स्क्वायर बन गया, फिर एक्स का इसमें किराया माइनस का 4x बन गया, फिर 3 का इसमें किराया 3x बन गया, फिर 3 का इसमें कराएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया ही होगा। अब देखिए इन सभी के साथ अलग अलग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे सबके साथ अलग अलग, 4x dx प्लस 3x dx माइनस का 12 dx। अब देखिए इनको जब सॉल्व करेंगे हम, देखिए x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, x की पावर n मतलब क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 3 और बटे में 3 और 4 बाहर आ जाएगा और x की पावर n मतलब x स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे बनेगा प्लस 3 बाहर आएगा x स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे बनेगा और माइनस का 12 x प्लस का c हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x की घात 3 बटे में 3 माइनस 2 से कटेगा तो 2x स्क्वायर प्लस का 3 बटे 2 इंटू x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का c हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया गया है कि 1 माइनस x स्क्वायर का होल क्यूब बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो a क्यू माइनस का b क्यू माइनस का 3ab इंटू a माइनस का b, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला जब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यू मतलब 1 माइनस b क्यू मतलब x की घात 3 दुना 6 हो जाएगा और माइनस का 3ab तो 3x स्क्वायर और हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर और यहाँ पे देखिए बटे में है x स्क्वायर और dx। तो हमको x स्क्वायर को हटाना है क्योंकि हमको एक प्लस और माइनस के रूप में लाना है, बटे के रूप में और गुणा के रूप में नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे इसको, इसको क्या करेंगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस x की घात 6 अब इसका अंदर में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3x की घात 4 और बटे में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए जब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे x स्क्वायर माइनस का एक्स की घात 6 बटे एक्स की घात 2 और माइनस का 3x स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x की घात 4 बटे में एक्स की घात 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्स की घात 2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की घात क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए सबके साथ अलग अलग क्या कर लेते हैं, डी एक्स लगा लेते हैं। अब यहाँ से जब इसको काटेंगे तो एक्स की घात क्या बचेगा, 4 बचेगा इंटू डी एक्स, है ना। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो माइनस का 3 इंटू
डी एक्स यहाँ से देखिए ये वाला इसको काटेगा तो प्लस का 3x² इंटू डी एक्स ये चीज आएगा यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या होगा, अब देखिए x की पावर n यानी x की पावर -2 का जब हम करेंगे तो क्या होगा, -2 + 1 -2 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा x की पावर -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर -1 बटे -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 5 बटे में 5 और यहाँ पे -3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और x की घात 3 बटे में 3, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे प्लस का सी एड कर देंगे। अब देखिए x की घात -1 क्या हो जाएगा -1 बटे ऊपर चला जाएगा, इसको हम नीचे लाएंगे तो 1 बटे x लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा -x की घात 5 बटे में 5 और -3x और +x की घात 3 + c। तो इस क्वेश्चन का जो लास्ट आंसर होगा ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आशा करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से हमको समाकलन करना था वो कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा और कुछ कुछ आइडिया लगा होगा। तो इसी प्रकार से आपको इसके सूत्रों को याद करना है और इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी हम देखते हैं अगले वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।